बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग एक का पाठ 14 लोकगीत पढ़ा रही हूँ, और मैंने इसके पहले इस पाठ पर एक वीडियो और अपलोड किया है, आपने देखा होगा, जिसमें मैंने लोकगीत की अन्य विशेषताएं और जिस लोकगीत को देशी गीत भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है विशेष रूप से किसी विशेष वाद्य के साथ या गुरुओं द्वारा शास्त्रीय संगीत की तरह सीखा नहीं जाता। इसे सिर्फ घर में विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर गाया जाता है, इसीलिए लोक क्षेत्रीयता से जुड़ा होता है, क्षेत्रीय भाषा का होता है, तो इन सारी चीजों की इसमें खासियत होती है, इसीलिए इसे देसी गीत भी कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर आपको लोकगीत की बहुत सारी चीजें बताई हैं पाठ में और विशेषता, और मैंने आपको पढ़ा भी दिया है वहां तक जहां पर ये बताया गया है कि वास्तव में लोकगीत गांव और देहातों में ही विशेष रूप से गाया जाता है। इसका संबंध जो होता है देहात की जनता से ज्यादा होता है। पहले के समय में सिर्फ देहात की जनता में ही लोकगीत का प्रचलन था, लेकिन आज ये लोकगीत ग्रामीण क्षेत्र और देहातों से निकलकर शहरों तक भी आ गया है। और जो बारहमासा सावन, मिर्जापुरी, कजरी, बनारस में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी क्षेत्रों में गाई जाती है, वे लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। बिहार के पश्चिमी जिलों में और तो और बंगाल के में भी बाउल और भतियाली जैसे लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया है, हीर राजा सोहिने महिवाल संबंधी पंजाबी गीत, ढोला मारू जैसे राजस्थानी गीत, ये सारी चीजें क्षेत्रीयता के गुण से जुड़ी हुई हैं। और किसी क्षेत्र विशेष में मुख्य रूप से अपनी एक पहचान बनाती हैं। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा लिया था, मैं इसी के आगे के अंश को अब आपको पढ़ाने चल रही हूं, तो आप भी तैयार हो जाइए। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय में रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। इन्होंने कहा, जिन देहाती गीतों की हम बात करते हैं, ये देहाती गीत जो होते हैं वो वास्तव में देहाती गीत जो होते हैं सिर्फ ये रचयिता की कोरी कल्पना पर आधारित होते हैं, किसी विशेष शास्त्रीयता पर न जुड़ के जो इसके रचनाकार होते हैं, वे रचनाकार जो होते हैं मुख्य रूप से इसको अपनी कल्पना पर ही आधारित रखते हैं, और कल्पना पर आधारित रखते हुए ही इन चीजों का वर्णन करते हैं, जिससे कि ये मर्म को छू लेते हैं। बच्चों देखिए, यहां मैंने आपको शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पर मर्म शब्द लिखा है रहस्य, यानी कि जो वास्तविक रहस्य हृदय की भावों को ये छू लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है, उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। अब देखिए, इनके जो रागों की बात की जाए तो रागों में किसी क्षेत्रीयता का गुण देखने को नहीं मिलता। रागों में बिल्कुल साधारण राग होते हैं जो गांवों में होते हैं, और सावन के महीने में जैसे कजरी गाई जाती है, झूला गाया जाता है, ये सारी चीजें जो होती हैं उनके राग भी बिल्कुल साधारण होते हैं। और कहरवा, बिरहा, धोबिया देहात में बहुत गाए जाते हैं। जो कहार जाति के लोग होते हैं उनके गीतों की जो धुन होती है बिल्कुल अलग होती है, जिनके गीतों को कहरवा नाम ही दे दिया गया है। फिर बिरहा, भोजपुरी इलाकों में गाए जाने वाला बिरहा गीत होते हैं, और हम लोग वाराणसी में भी इस चीज को जानते हैं कि बिरहा बहुत पसंद किया जाता है। धोबिया, ऐसा कहा जाता है कि जब जो धोबी
जाति के लोग होते हैं, जब ये लोग तालाब वगैरह पे कपड़े धोने जाते हैं तो काम कठिन होता है, तो ये अपना गा गा के सारा कामों को करते रहते हैं। तो इनके गीतों को एक नाम ही ये मिल गया। तो इस तरीके से देहात में बहुत अवसरों के अलग अलग नाम दे करके गीतों को गाया जाता है, जिसको कि अलग नाम मिल जाता है, जैसे कहरवा ही है, जैसे धोबिया है, बिरहा है। तो ये इस क्षेत्रीयता के साथ साथ इसकी जो विशेषता है, गाने वाले की जो विशेषता है, उसे भी जोड़ लिया जाता है। तो ये बताया गया है, गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये सारे बिरहा जैसे गीत जो हैं, कभी आपने होली का अवसर हो, किसी खास जगहों पर हो, ये गाए जाते हैं। और जिन स्थानों पर ये बिरहा वगैरह होता है, उन स्थानों पर प्रायः भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि धुन और ताल बहुत मन को लुभाने वाला होता है। लोकगीत की जो खासियत है, इसकी धुन और ताल ही तो है। ढोल मजीरे पे, झांझ पर, करताल पर ये गाए जाते हैं, और इनके स्वर में बहुत तीव्रता होती है, गाने का एक अलग अंदाज होता है। तो इस अलग अंदाज को ही के ही कारण ये जो होता है प्रसिद्धता को प्राप्त कर लेता, प्रसिद्ध हो जाता है। अब आगे क्या कहते हैं वो देखिए। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अब भाषा की बात की जाए तो लोकगीत जिस क्षेत्र विशेष का होता है, उसी क्षेत्र विशेष में प्रमुख रूप से वहीं की बोली और वहीं की भाषा के शब्दों को लेकर ये रचा जाता है। तभी तो उस क्षेत्र विशेष में ये पसंद किया जाता है, क्योंकि क्षेत्रीयता का गुण इसमें होता है। इसके गीतों में क्षेत्रीय बोली के गुण होते हैं, वहां के रीति रिवाजों के गुण होते हैं, तो वहां के लोगों द्वारा ये बहुत पसंद किया जाता है। फिर इन्होंने आगे क्या कहा वो देखिए कि इन सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इन्होंने कहा कि आह्लादकर का मैंने ये देखिए यहाँ लिख दिया है शब्द का प्रसन्न करने वाला, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो जो बहुत कठिन शब्द होता है वो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब लेखक ने कहा कि अगर हम भाषा की बात करें तो इन गीतों की जो भाषा होती है वो गांवों की बोली से होती है, इन गीतों के जो शब्द होते हैं वो क्षेत्रीयता के होते हैं, रीति रिवाजों और परंपराओं की का जो तौर तरीका होता है इनके गीतों में उसका समायोजन होता है, जो सभी को पसंद आता है, सभी को इससे खुशी मिलती है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, ये मैंने पहले ही बताया कि सुर ताल इसके कुछ इतने तीव्र और तेज होते हैं कि सुनने वाले का मन अनायास उस ओर खिंच जाता है। शब्दों की भाषा या शब्दों के अर्थ थोड़े कम भी समझ में आए तो भी वो अच्छे लगते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि पंजाबी गीत, पंजाबी गीत के जो धुन होती है, जो स्वर होते हैं, हीर रांझा है या जो भी पंजाबी लोकगीत होते हैं, उन गीतों को समझ में आए या ना आए, लेकिन उसकी जो तीव्र गति से गाए जाने वाला तौर तरीका है, जो वहाँ के रीति रिवाजों को बताने का तरीका है गीतों के माध्यम से, वो सारी चीज इतनी लुभावनी होती है, धुन इतनी तीव्र होती है कि उसकी आवाज सुनते ही अनायास आपका मन जो है उस ओर खिंच जाएगा, और आपको समझ में कम भी आए तो भी आप उसको आप बार बार सुनेंगे। यही लोकगीत की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि लोगों के द्वारा ये बहुत पसंद किया जाता है, तो बहुत आकर्षक है। इसी का इसकी सफलता का जो सबसे बड़ा राज है कि लोग इसकी भाषा, इसकी धुन, ढोल, इसके साथ बजाए जाने वाले जो लोग वाद्य होते हैं, कोई बहुत अच्छे वाद्यों के साथ ये लोकगीत नहीं गाए जाते, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से वाद्य बजते हैं उन्हीं के आधार पे गा दिया जाता है, और बहुत
स्वर ऊंचा होता है, धुन बहुत तीव्र होती है, तो सभी को ये अच्छा लगता है। तो इसकी सफलता का ये कारण है। तो इतना मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, आप आगे देखिए। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया एक प्रकार के गीत की बोल है, जिसमें गाने में कुछ ऐसी चीजों को बताई जाती है जिसमें नायिका के पति या जो भी कहना चाहिए, जो उसका मुख्य साथी है, वो उसे छोड़कर कहीं गया है, कुछ उसमें विरह की भावना है। तो विदेशिया जैसे गीतों में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, इसका बहुत प्रचार हुआ है। गाने वालों ने अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं और कहा कि इस विदेशिया गीत को गाने वाला जो होते हैं वो समूह गान की तरह इसको गाते हैं, झुंड में गाए जाते हैं, छोटे छोटे वाद्यों के साथ गाए जाते हैं और गांव में घूम घूम कर गाते हैं, तो लोगों के द्वारा ये बहुत पसंद किया जाता है। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अब इन्होंने कहा कि देहाती क्षेत्रों में अगर हम जाएं तो वहां के क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऐसे गीतों को बहुत पसंद किया जाता है, लोग ऐसे गीतों को बड़ी रुचि से सुनते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि इन गीतों की जो खासियत होती है वो खासियत ये होती है कि इसमें प्रेम वर्णन होता है और प्रेम वर्णन को एक कथा की तरह बताया जाता है, एक कहानी की तरह पिरो दिया जाता है। उसमें रसिक वर्णन के साथ, प्रेम के वर्णन के साथ, उनके उनके जो प्रियजनों का वर्णन किया, प्रियाओं का वर्णन होता है, वो सारा होता है। तो सुनने में जैसे लगता है कि कोई कहानी गीतों के माध्यम से आपको सुनाई जा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत लोगों द्वारा पसंद की जाती है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। अब परदेसी प्रेमी की विदेशिया जो गीत होता है उसमें यही कहा ही जाता है, जो नायिका रहती है उसका प्रेमी जो होता है वो विदेश यानी उसे छोड़कर कहीं चला गया है और जब वो चला गया है तो उसके विरह में वो गीत गा रही है। तो एक कहानी की तरह इसमें बताया जाता है, विदेशिया इसीलिए लोगों के द्वारा बहुत पसंद भी किया जाता है। तो विरह का रस भी मिलता है, एक विरह का गीत भी है और धुन अच्छी होने के कारण कहानी के माध्यम से, गीत को कहानी के माध्यम से जब प्रस्तुत किया जाता है तो लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। अब देखिए जंगलों में रहने वाले मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, जब ये जंगलों में रहती हैं तो ये समूहों में, दल मतलब समूह, और ये समूहों में घूमती फिरती हैं और समूहों में घूमते फिरते रहने के कारण इनके जो गीत है वो गीत जो हैं मुख्य रूप से बहुत प्रसिद्ध होते हैं, बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं और जो अधिकतर बिरह आदि गाए जाते हैं। समूह में जब ये घूमते फिरते हैं तो ये क्या करते हैं, बिरह एक प्रकार की गीत का नाम है। तो इस तरह के गीत जनजातियों द्वारा समूह में घूम घूम कर चारों ओर गाया जाता है। तो ये बताया गया, पुरुष एक ओर, स्त्रियां दूसरी ओर, एक दूसरे से जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं। अब देखिए इसकी जो विशेषता है खास तौर से वो ये है कि इसकी विशेषता ये है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिल जाते हैं और सवाल जवाब होता है। कुछ स्त्री ने कहा उसका जवाब जो है वो पुरुष देते हैं, तो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस गीत को गाते हैं और स्वर काफी ऊंचा होता है, लय काफी ऊंचाई तक जाती है, तो जिससे वातावरण में पूरे जो स्वर है वो गूंज जाता है और सुनने वाले को बहुत रुचि आती है, सुनने वाले को बहुत रुचि आती है
तो उन्होंने कहा कि दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं, यानी इनका स्वर इतना ऊंचा होता है कि चारों ओर की जो दिशाएं हैं इससे गुंजायमान हो जाती हैं, स्वर से चारों ओर इसकी तीव्रता, तेज स्वर जो होते सुनाई पड़ते हैं तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, तो अब अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के कवि राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था। तो जैसे यहाँ पर अभी ये बताया गया विदेशिया गीत की बात की गई, विरहा की बात की गई, ठीक इसी प्रकार गीत का एक प्रकार ये भी है बच्चों, जिसे हम आल्हा कहते हैं। ये विशेष रूप से बुंदेलखंड झांसी के आसपास के जो इलाके हैं, बुंदेलखंडी इलाके, वहां पर ये गाया जाता है। और इस जो आल्हा जो गीत है, ये वहां के आल्हा उदल की जो लड़ाई हुई थी, उस आल्हा उदल की लड़ाई और वीरता का वर्णन इस आल्हा गीत में होते हैं। और इस गीत का जो प्रसार प्रचार है, वो सबसे पहले राजकवि जगनिक थे, बहुत पुराने कवि हैं, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से आल्हा उदल की लड़ाई का वर्णन किया था। फिर ये धीरे धीरे लोगों द्वारा इतना पसंद किया जाने लगा कि बुंदेलखंड के हर घर में लोग दो तीन चार पांच लोग समूह बना बनाकर आल्हा गीत गाने लगे। और अंततः धीरे धीरे आल्हा उदल की ये लड़ाई के जो गीत थे, इसी ना इसको यही नामकरण मिला, आल्हा नाम के गीत बन गया। जैसे विरहा कहा गया, वैसे इन गीतों को आल्हा कहते थे, और जिसमें वर्णन आल्हा उदल की लड़ाई का होता था। ये प्रायः बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में समूह द्वारा गाया जाता है। महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रारंभ में तो राजकवि जगनिक ने आल्हा उदल की वीरता का वर्णन अपने गीतों में किया, लेकिन धीरे धीरे जन जन की बोली हो गई, आल्हा उदल की वीरता की कहानी को वहां के घर घर में गाया जाने लगा। देहाती जितने कवि थे, जो गांव के बीच पले बढ़े रचनाकार थे, उन्हें भी समय समय पर इसी आल्हा गीत को, इसी आल्हा उदल की लड़ाई की वीरता को वे अपने विशेष अवसरों पर गांवों में गाते थे, बहुत प्रेम से गाते थे, और लोग झुंड बना बनाकर उसे सुनते, सहयोग करते, साथ में गाते। तो ये चीजें बहुत प्रचार प्रसार हो गया। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते थे, ये समूह गान की तरह गाए जाते थे। तो जब कभी इनका मन कहता, चार छह दस लोग ढोलक मजीरा करताल लेकर ऐसे गीतों को गाते और गा करके समूह में गांव गांव घूमते, और जो विशेष गाने के शौकीन होते वो भी उस समूह में मिल जाते, तो सब मिलकर इसको गाते थे। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अब मैं एक बात और बता दूं बच्चों आपको, कि अभी जो ये आल्हा जैसे गीत की बात की बुंदेलखंड की, यहाँ पर तो पहले राजकवि जगनिक ने तो गाया ही, बाद में यहाँ के छोटे छोटे जो देहाती कवि थे, रचनाकार थे, वो समूह में घूम घूम कर ढोलक वगैरह लेके गांव में घूम घूम कर इन चीजों को गाते थे। धीरे धीरे और एक प्रकार का गीत प्रचलित हुआ, इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है। नट एक प्रजाति है, नट प्रजाति का के लोगों का काम होता है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के खेल हमको दिखाते हैं, तो ये इनके बच्चे जो होते हैं वो खेल दिखाते हैं और गांवों में घूम घूम कर दिखाते हैं। इनके पास ढपली टाइप
कि एक छोटी सी छोटा सा वाद्य लिए रहते हैं ढपली की तरह का, उसे ये बजाते रहते हैं और गीतों को, क्षेत्र विशेष के गीतों को गाते हैं। और इनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो रस्सियों पर चलना, थाल को लेके सिर पर या थाली के ऊपर पांव रख करके चलते जाना, कई चीजों को सर पर रखकर रस्सी पर चलना, इस तरह के छोटे छोटे खेल दिखाते हैं और लोगों से पैसे प्राप्त करते हैं। तो ये जनजातियां गीतों के माध्यम से पैसे भी कमाते थे और ऐसे गीतों को वहां के क्षेत्र के लोग जो थे वो पसंद भी करते थे। तो इस तरीके से इसका भी प्रचार प्रसार बहुत हो गया। तो नट जो रहते, इनको नट प्रजाति ही कहते थे, ये नट प्रजाति के ही लोग थे और इनके बच्चे जो थे रस्सियों पर चलकर तमाम खेल दिखाते थे और पैसे एकत्रित करते थे गांव गांव में। अब तो शहरों में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है मेले ठेले में, लेकिन पहले ये सिर्फ गांव गांव में ही चलते थे। तो और इसमें जो होता था, जो इनकी गीतों के जो बोल होते थे वो कहानी की तरह होते थे, गद्य होता था पद्यात्मक में, जो कहानी जैसे चीजें होती थी उसको गीतों के माध्यम से वर्णन करते थे। इनके बोल कुछ खास इसी तरह के होते थे और लोगों के द्वारा पसंद किए जाते थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तो इनका भी प्रचार प्रसार हो गया। फिर इन्होंने कहा कि अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं, इन्हें सृजती हैं अधिकतर वही हैं। अब इन्होंने कहा कि अनंत संख्या में अपने देश में लोकगीत गाए जाते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में, अलग अलग बोलियों में, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग अवसरों पर गीत होते हैं और ये गीत लोकगीत कहलाते हैं। और इनको गाने वाली अक्सर महिलाएं होती हैं, जो गीत पुरुषों में होली हुआ, कुछ खास अवसर हुआ तो ये समूह बनाकर गाते हैं, लेकिन अक्सर लोक गीतों का जो बोल है, जो गीत है, वो महिलाएं गाती हैं। और सृजती भी, सृजना शब्द का मतलब सहेज के रखना है, मैंने यहाँ लिख दिया है सृजना शब्द को, सृजना शब्द जो प्रयोग किया गया उसका मतलब सहेजना, यानी संभाल कर रखना, ये चीज कही गई है कि उसे संभाल कर रखती भी है ये लोग। कहने का मतलब कि बुजुर्गों द्वारा ये गीत गाया जाता, फिर नई पीढ़ी के द्वारा भी पसंद किया जाने लगा, तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये गीत चलता है, इसी कार्य को सहेजना कहते हैं। सृजती भी अधिकतर वही है, वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। अब इन्होंने कहा कि लोकगीतों को गाने की बात यदि हम करें तो पुरुष भी लोकगीत नहीं गाते ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते, यानी पुरुष भी गाते हैं लेकिन महिलाएं इसमें विशेष रूप से भाग लेती हैं, महिलाओं द्वारा लोकगीत विशेष रूप से गाया जाता है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इन्होंने कहा कि महिलाएं इसमें जो होती हैं विशेष रूप से गाती हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों के से अलग और भिन्न नहीं, मिले जुले होते हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर हम इस देश की बात करें तो भारत जो होता है, इस देश में भारत देश की जो बात करें तो ये सभी देशों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, मगर हमारे यहाँ स्त्रियां और पुरुष दोनों गाते भी हैं और दोनों के अलग अलग गीत भी हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया, गीतों के संबंध में बताया गया कि कैसे जगह और स्थान के हिसाब से ये गीत अलग अलग स्वरूप में लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था। फिर आगे कहा गया, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोण के, जीवनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के अवसरों पर अलग अलग गीत हैं। बच्चों आपने भी सुन रखा होगा, शादी ब्याह में बहुत परंपरा के गीत होते हैं, मटकोण के गीत, जब मट्टी खोदने जाना होता है तो उस समय के गीत होते हैं,
जनेऊ के गीत होते हैं, विवाह के गीत होते हैं, और खिचड़ी के अवसर पर गाली प्रेम शादी ब्याह में गाली के गीत होते हैं जो गाए जाते हैं। तो हर अवसर के नाम से अलग अलग गीत हैं, और सब गीत के जो स्वर होते हैं, बोल होते हैं, वो अलग हैं, और सबकी एक अपनी एक रुचि है, पसंद किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा जो स्त्रियां गाती हैं इन अवसरों पर, कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से लोकगीतों का प्रचलन था, शादी ब्याह के अवसरों पर गाए जाने वाले गीत, विवाह गीत, खिचड़ी के गीत, मटकोण के गीत, बन्ना बन्नी, ये तमाम गीत होते हैं जिसको स्त्रियां बड़े प्राचीन काल से गाते चले हैं और आज भी लोग पसंद करते हैं और गाते भी हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उन गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम पुरातन काल की रचनाओं का वर्णन करें और रचनाओं को उठाकर पढ़े देखें तो उसमें भी इसका उदाहरण मिल ही जाता है कि उन जगह पर भी सोहर जैसे बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, बन्ना बन्नी विवाह पे गाया जाता है, सेहरा लड़के के विवाह में गाया जाता है। तो इन सब गीतों का बड़ा प्रचलन था। और वैसे 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, और कुछ स्थानों पर तो 12 महीने के गीत होते हैं, 12 मासा गीत उनको कहते हैं, जिसको पुरुष और स्त्रियां दोनों गाती हैं। तो इस तरीके से लोकगीत का प्रचार इस तरीके से देखने को मिलता है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अब स्त्रियां जो लोकगीत गाती हैं वो अकेले नहीं गाती, ये दो समूहों में विभाजित हो जाती हैं। दोनों समूह में, किसी एक समूह में ढोलक बजाई जाती है, किसी में करताल बजाया जाता है, एक तरफ से गीत को शुरू किया जाता है, दूसरे तरफ की महिलाएं जो होती हैं उसे दोहराती हैं या उसको उसके आगे की पंक्ति को गाती हैं। तो ये सब तौर तरीका है गाने का। तो ये दल बांधकर समूह बनाकर ही गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर इनमें मेल नहीं होता। अब हम कहें कि वहां गांव की स्त्रियां सब मिलजुल के गाती हैं तो सारे शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं होती, लेकिन सुर में सुर मिलाकर वे गाती ही हैं और लोगों को अच्छा लगता है। फिर भी ये त्योहार पर, शुभ अवसरों पर महिलाएं सुर ताल का बिना ध्यान रखे हुए गीतों को गाती हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि आजकल की स्थिति में महिलाएं अधिकतर पढ़ी लिखी हो गई हैं, नए जमाने की हो गई हैं, तो पुराने जमाने के गानों को वो नहीं गा पाती। हमारी दादी नानी के जमाने के जो गाने होते थे आज भी वही गाती हैं, जिनके घरों में दादी नानी होती हैं वो इस गीतों को गाती हैं। नई पीढ़ी वाले लोग या तो नए धुन के गाते हैं या तो नहीं गा पाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बहुत जगहों पर पेशेवर स्त्रियां, लोकगीत गाने वाली जो पेशेवर पैसे लेकर जो गाती हैं, ऐसी स्त्रियों को बुला लिया जाता है इन अवसरों पर, और वो पूरा जो घर का वातावरण है, माहौल जो है, वो ऐसा गीतमय बना देती हैं खूब उस क्षेत्र विशेष के गानों को, अवसर विशेष के गानों को, खास अवसरों के गाने को खूब ढोल मजीरे के साथ, खूब उल्लास के साथ गाते हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। मिर्जापुरी कजरी हो, वाराणसी में गाने वाली कजरी हो, पूर्वी क्षेत्र के गीत हो, होली के समय के गीत हो, कबीरा हो, तो इस तरीके से जो गीत होते, खास अवसर के गीतों की बोल अलग होती है और लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, उसका प्रचार प्रसार तो है ही और लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। और मैथिली के गीतों की बात अगर करें तो मैथिल भाषा के गीतों में भी एक बहुत सुंदर मिठास है, अगर आपने सुनी होगी तो आप उसको अनुभव करते होंगे। और विद्यापति के मैथिल और कोकिल, मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत जो होते हैं, सब में एक मैथिली भाषा का पुट होता है, बहुत सुंदर ढंग से गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के
कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं, यानी हर क्षेत्रों पर अपने अपने गायक हैं जो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, हर क्षेत्र में गाने वालों की अपनी एक खूबी है जो उस क्षेत्र विशेष के की महत्ता का गान करते हैं और लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। फिर स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। बहुत सारे गीतों को मैंने देखा है, सुना है कि विवाहों के अवसर पर लोग ढोल मजीरे पर गाते भी हैं, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें लोग गांव की महिलाएं जो होती हैं नृत्य भी करती हैं, नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गीत होता है गरबा, गरबा क्षेत्रीय गीत है, लेकिन देखिए कितना सुंदर नृत्य इस पर लोग करते हैं। विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें इसे गाती हैं, नाचती हैं और बड़ा पसंद किया जाता है। साथ ही लड़कियां भी गाती और बजाती हैं, बजाने का काम करती हैं, लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ये सब झुंड में चलते हुए इस गीत को गाती हैं। आपने गरबा नृत्य देखा भी होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है, गरबा गीत को लोकगीतों के रूप में सभी जगहों पर पसंद किया जाता है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज का रसिया पूरे देश में पसंद किया जाता है, प्रसिद्ध है और लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां भी विशेष तौर से गाती हैं, ब्रज की स्त्रियां भी होली गीत गाती हैं। फिर गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। अगर हम गांव के गीतों की बात करें तो अनंत रूप गीतों के दिखाई पड़ते हैं, और सभी में एक जीवन होता है, एक जीवंत स्वरूप दिखाया जाता है, जिसे वहां के स्त्री पुरुष इठला इठला कर, लहरा लहरा कर गाते हैं। वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है, यानी लोकगीत स्वयं इतने सुंदर होते हैं कि उसमें आनंद की कमी नहीं हो सकती। सुनने वाले को भी आनंद आता है और गाने वाले को भी आनंद आता है। उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत असंख्य गाने प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने उद्दाम जीवन के, उद्दाम शब्द का मतलब होता है बंधन मुक्त, मैंने यहाँ लिखा भी है उद्दाम का मतलब बंधन मुक्त। तो बंधन मुक्त जो जीवन होता है उसका सारा स्वरूप इस गीतों में दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से लोकगीत के, लोकगीतों का जो स्वरूप होता है वो मैंने आपको इस पाठ में बताया, उसकी विशेषता बताई। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और फिर इसके प्रश्नोत्तरों को मैं आगे के वीडियो में कराऊंगी। तो इस पाठ को यही समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।